हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो निबंध लेखन जो एक हमारा चैप्टर होता है, निबंध लेखन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ एक कमेंट आया था कि आप एक टॉपिक था जनसंख्या वृद्धि, इस पर हमें निबंध लिखना है। तो इसके लिए मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, तो चलिए इसको पूरा करते हैं कि इस पर जनसंख्या वृद्धि पर भारत ये एक विकट समस्या है जिस पर हर एग्जाम में ये टॉपिक जरूर रहता है कि जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखिए। तो आज इसको हम नॉर्मली रूप से पढ़ेंगे, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर आप इसको अपने अपनेपन से अपने शब्दों में इसको उतार दीजिए, तो आपको पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनाई जाती है जिसमें प्रस्तावना होती है, जनसंख्या वृद्धि का कारण होता है, फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय होता है, फिर उपसंहार होता है। तो आपको सबसे पहले एक प्रस्तावना हेडिंग डालना है, ठीक। और उसमें इसी प्रकार लिखते जाना है एक एक चीज़। पहले प्रस्तावना ही बनाना है कि ये पूरा मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया जाए उसमें कि क्या है जनसंख्या वृद्धि, क्या होता है, किस प्रकार होता है, इस प्रकार सब चीज़, ठीक। फिर उसका कारण भी एक हेडिंग डालना है, जनसंख्या वृद्धि का कारण, या फिर हेडिंग डाल भी सकते हैं, फिर बिना हेडिंग डाले भी लिख सकते हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय आप बताइए कि किस प्रकार रोका जा सकता है। फिर उसका उपसंहार लास्ट में कि क्या कर किससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इस तरह तय कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें छोटे शब्दों में दिया है, आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। सॉरी। तो इसमें लिखिए, भारत को स्वराज मिले 70 साल हो गए हैं पर सुराज अब तक नहीं मिला। अब इस लाइन में आप और भी चीज़ बहुत सारे लिख सकते हैं कि स्वराज मिले 70 साल हो गए पर सुराज अब तक नहीं मिला। इसका मतलब भारत को आज़ाद तो हो गया अब, लेकिन आज भी वहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, लोगों को अच्छे से नौकरी नहीं मिल पाती। रेलवे स्टेशन पे आप टिकट लेने जाइए तो लाइन लंबी भीड़ रहती है, वेटिंग टिकट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो सारा कारण जनसंख्या वृद्धि से ही है। मान लीजिए यहाँ पर आपको 10 रुपया है, कहीं से 10 रुपया इनाम मिल गया, और उसको पहले आपके घर में 3 लड़के हैं तो 3 3 रुपया मिलता था सबको, तो अब मान लीजिए अब 5 लड़के हो गए तो सबको 2 रुपया मिलेगा, फिर 10 लड़के हो जाएंगे तो 1 1 रुपया मिलेगा। इसी तरह होता है, मान लीजिए घर में 2 ही लड़के हों तो 10 रुपये में 1 लड़के को 5 5 रुपया मिलेगा, तो लोग धनी होंगे, भुखमरी नहीं होगी, इसी प्रकार समझिए इसको। तो ये कह रहा है कि भारत को स्वराज मिले 70 साल हो गए पर सुराज अब तक नहीं मिला। 9 वर्षीय योजनाएं अमल में आई पर भारत की गिनती आज भी 9 पंचवर्षीय योजनाएं, सॉरी, अमल में आई पर भारत की गिनती आज भी दुनिया के पिछड़े देशों में ही होती रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण देश की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या मिल गया ना कि प्रस्तावना में कि क्या क्या उसके घाटे हैं, तो वो चीज़ इसमें बता दिया गया। ये चीज़ उसको एक होता है ना कि भावना बना जाता है पूरा कि देखने में अच्छा लगे, तो वो चीज़ हो गई। अब इसमें बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि वृद्धि से कुछ घाटा वाटा होता है, जो वो बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि ने देश के विकास को पुंगु बना दिया है। यानी कि आप जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये आपके पिताजी कमाते हैं, लेकिन अगर आपको 5 लोग हैं घर में तो उस खर्चे को बांटें तो 20 20 रुपये बट जा रहा है, ठीक। लेकिन मान लीजिए अगर 1,000 कमाने लगे और घर में 5 से 5 आदमी के अलावा यहाँ पर 10 आदमी हो गए, तो फिर वही बात हो जाएगी कि कमाई बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ खर्चा भी बढ़ जा रहा है। तो वही संसाधन सीमित है और संसाधन कम होते जा रहे हैं, तो देश का विकास जो हो रहा है वो एक न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि से देश को पंगु बना दिया है, और विज्ञान के विकास के जो लाभ मिले हैं वे आबादी की बाढ़ में बह गए हैं। हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो उस लोड को न्यूट्रलाइज कर दे रही है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़ी बड़ी नदियों पर विशाल बांध बने, सिंचाई की सुविधा से देश में हरित क्रांति हुई, अनाज का उत्पादन बढ़ा, फिर भी यहाँ सबको भरपेट अन्न नहीं मिल पाता। यहाँ पर सबको भरपेट अन्न नहीं मिल पाता। हमारे बाजार कपड़ों से भरे पड़े हैं पर सबको शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिला। तो इसी कारण ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है, क्योंकि जिसे जनसंख्या वृद्धि पड़ता है तो कमाया गया पैसा लोगों में बंटता है, गार्जियन बांटता है, तो फिर कमी पड़ जाती है, फिर कम कम लोग होंगे तो
सबको व्यवस्था हो जाएगी सब चीज़ की। तो यही इसमें बताया गया कि शहरों में मकानों की अपेक्षा झुग्गी झोपड़ियाँ अधिक हो गई हैं, सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं मिलती। मान लीजिए कहीं जनसंख्या, आप चले जाएंगे स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, चाहे और भी कई देश हैं, वहाँ चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, तो वहाँ पर इतनी इतनी कम जनसंख्या है ना कि वहाँ पर हर जगह शांति का माहौल होता है एकदम। आप रोड पर चलेंगे जाम नहीं लगता है, लगता तो है वहाँ पे भी लेकिन कंडस्टेड एरिया में, लेकिन खुले जगह, यहाँ पे तो कितना भी चौड़ा सड़क रहेगा वहाँ जाम लग जाएगा। तो वही इसमें बताया गया है। रेलगाड़ी और बसों में भीड़ के कारण लोग धक्का मुक्का करते यात्रा करते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। जंगल नष्ट हो रहे हैं, यानी कि मान लीजिए पेड़ और हम लोग काट रहे हैं, इन लाइनों को और बढ़ाया जा सकता है कि पेड़ हम लोग काट रहे हैं घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होता है, इसलिए जंगल काटे जा रहे हैं, फिर घर वहाँ पर, जिससे सांस लेने के लिए हमें शुद्ध वायु नहीं मिल रहा है। गर्मियों में पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो जाता है, चोरी गुंडागर्दी तस्करी आदि असामाजिक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। ये क्यों बढ़ रही हैं? इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं यही किया जाए, जो मांग कर तस्करी कुछ आसानी से मिल जाए। अब सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी? मान लीजिए 130 करोड़ जनसंख्या इंडिया का है लगभग आज के डेट में, उससे ज़्यादा ही है, तो कितने लोगों को नौकरी देगी? मान लीजिए इसमें 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर सकते हैं, तो 50 करोड़ लोगों को नौकरी सरकार कैसे देगी? तो इसलिए, और उनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पा रहा है कुछ लोगों को, तो इसे यही चीज़ें कि असामाजिक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। इन सभी बुराइयों का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि ही है। ठीक, अब जनसंख्या वृद्धि का कारण आपको लिखना है। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण आप लिख लीजिए कि एक हेडिंग दे दीजिए, उसमें लिखिए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्न है, निम्न में इसमें पहले आप एक सेकंड होल्ड करिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण में आप ये लिखिए कि सरकार लोगों को जागरूक नहीं कर पा रही है अच्छे से, और लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। इसमें सरकार कई चीज़ की व्यवस्था की है उसको रोकने के लिए, इसमें कई सारे लोगों को वो किया गया है, जो डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों को राय देते हैं, नसबंदी लोग नहीं कराना चाहते हैं बहुत सारे लोग, और परिवार में लोग बच्चों को ज़्यादा पैदा कर करते हैं भी लड़कियों के अलावा। मान लीजिए किसी का लड़का हो जाता है एक बार, दो बार, तीन बार लड़का हो जाता है, तो वो सोचता है कि एक लड़की हो जाए, उसके चक्कर में 2-3 ठे लड़के और हो जाते हैं। और किसी किसी का ऐसा होता है कि लड़की होती है फिर एक और लड़की होती है, वो लड़का खोजते खोजते 2-4 लड़कियाँ पैदा कर देता है। तो ये सब दिक्कत इसी कारण जनसंख्या बढ़ती है, और गरीबी के कारण भी जनसंख्या में ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा लोग परिवार में रहेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा कमाई होगा। तो इस प्रकार से 3-4 ही सब वृद्धि के कारण हैं, और इसमें बहुत सारे कारण इसमें हम बता सकते हैं, इसमें आप कई चीज़ और जोड़ लीजिएगा। उसके बाद इसको जनसंख्या वृद्धि के रोकने का एक उपाय है, ये एक हेडिंग डाल के उसमें ये आप डाल सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ाकर रोका जा सकता है, लोगों को जागरूक करके रोका जा सकता है, और कई सारे पिल्स आते हैं इंट कंसेप्टिव पिल, उन सबको लोगों का यूज के बारे में उनको बताया जाए, गरीबों को बताया जाए जो गांव के लोग हैं, फिर बहुत सारे कंडोम भी, बहुत सारे चीज़ों का व्यवस्था है उसको किया जा सकता है, वितरित करवा के लोगों को जागरूक करना है, इसमें मेन है। ठीक, सरकार को ये करनी चाहिए, लोकल कॉलेजेस को भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जा सकती हैं। उसके बाद उपसंहार बनाकर इसमें लिखा जाता है कि इसमें, उसके बाद ये बनाइए कि जनसंख्या नियंत्रण करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। ठीक, वृद्धि रोकने के उपाय में इसको लिख लिखिए कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मत्सल के अनुसार, इसको हेडिंग में दे दिए, डबल हेडिंग वाले का नाम है, कि प्रकृति एवं जनसंख्या का संतुलन करती है, युद्ध दंगे बीमारी या बाढ़ भूकंप आदि के द्वारा वह बढ़ी हुई आबादी को कम कर देती है, फिर भी देशवासियों का कर्तव्य है कि जनसंख्या को न बढ़ने दे, उसके लिए वे परिवार नियोजन के उपायों को अपनाएं, शादियां निर्धारित उम्र में पश्चात ही होनी चाहिए, देश में सुख शांति और प्रगति के लिए जनसंख्या का सीमित करना जरूरी है, पश्चिमी देशों की प्रगति का एक रहस्य वहाँ की जनसंख्या का कम होना भी है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिखना जरूरी है, और इसमें इस चीज़ को यूनाइटेड का नाम है जरूर लिखा जाता है। अपने एवेंजर्स एंड गेम का थैनोस देखा था ना, वो इसी तरह किया था कि सारे बीमार लोगों को, आधी बीमारियों को खत्म कर दिया जाए ठीक चुटकी बजा के। यहाँ पर अब डेली हेडिंग उपसंहार, तो इसमें उपसंहार लिखिए, अतः हम कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या ही समस्याओं की सारी जड़ है, इसी के मूल में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आती हैं, जन्म लेती हैं और देश के विकास को दूर करती हैं। जनसंख्या रोकने के लिए बताए गए
उपयुक्त तरीकों को अपनाकर हम देश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। जनसंख्या में संतुलन बनाकर ही हम बुद्धिमान और दूरदर्शी होने का दावा कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ये हमारा निबंध लिखा गया, इस पर लिख सकते हैं। इतनी चीज़ों को अगर आप लिखेंगे, इसमें जो मैंने ये और ये हेडिंग जोड़ के बोला कि इसमें